योग बना हुआ है। बताओ इन चारों ग्राफ में कौन सा ग्राफ ठीक है? सर ज्यादा योग करना है सी वन है ये वाला। यस सर बस नो सर और दो कौन कौन से लास्ट? यस ये भी ठीक है ये भी ठीक है। अब आपने सोचना शुरू कर दिया है। इक्वेशन को भी देखिए ना मेरी जान एलएनएफएजी वर्सेस टाइम मैट्रिक्स रो ओके। अगर आप मैट्रिक्स लॉग ऑफ ए नॉट ओवर एटी करते हैं तो सो पॉजिटिव हो जाएगा और ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। यस ठीक है तो ये तो इस हर एंगल से आपने देखना है। चल रट्टा नहीं लगाना, जब रट्टा लगाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा मैंने क्वेश्चन सीधे सीधे कोई नहीं जल्दी जी नेगेटिव स्लोप और इंटरसेक्शन भी नेगेटिव हो तो वो कैसे ग्राफ बनेगा? वो आप बनाए वो मैं बता चुका हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर बनाएंगे, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाएंगे आप। ठीक है माइनस वाई हाँ जी जहाँ पे एक्स और वाई दोनों माइनस तो समझ आ गई। यस है अब ये इससे आपका ना एक्चुअली ग्राफ ये बना के आपका विजन ओपन होता है आपको आप और एक्सप्लोर करता है। पेपर जो आपको आता है ना आप सिंपल पढ़ लेते हैं पेपर ये आ जाता है फिर कहते हैं कि पढ़ाएंगे है। ये बनाने का ये मकसद था कि आप अपने जहन को घुमाएं और सिर्फ सीधा सीधा ना करें ठीक है इधर उधर भी गौर करें आगे पीछे भी देखें ऊपर भी देखें। सिक्स सेंसेस ने जितने भी सेंसेस ने यूज किया है सही है बस लोग पॉजिटिव कैसे हुआ है इसका इसका ये आपने मुझे बताना है घर जाके इसको सॉल्व करना सौंदर्य मैं बता चुका हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अभी तो एक और भी ग्राफ करता है इसका वो अब मैं ये सामने वो नहीं बताना वो पेपर पूछना है। अच्छा हम यहाँ तक हम आ गए वेरी गुड। यहाँ पे भी आ गए अब हमने निकालते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है आधी जिंदगी मैं पूछूंगा ना व्हाट इज हाफ लाइफ मुझे कह रहे सर आधी जिंदगी हाफ लाइफ व्हाट इज हाफ लाइफ सर हाफ लाइफ नो हाफ लाइफ का ये मतलब है कि वो टाइम बताएं एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। कि आपने ये बताना है कि वो टाइम कौन सा होता है जब रिएक्टेंट जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है वो टाइम बताना। मसलन अब मैं ये करता हूँ कि ए डी वर्सेस मीन कि यहाँ पे ए नॉट है आपके पास कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन और ये टाइम मैं यू कर्व बना रहा हूँ। यस ठीक है अब ये आपके पास हाफ कंसंट्रेशन कब होगी इसका ये अगर फुल है तो हाफ यहाँ पे भी होगी ना। यस ठीक है तो इसको हम क्या लिखेंगे ए नॉट बाई टू तो उस वक्त तो टाइम होगा टी वन ठीक है फर्स्ट हाफ लाइफ। अब अगर मैं कहता हूँ सेकेंड हाफ लाइफ अब इसका हाफ लेना है इसका हाफ क्या हो जाएगा ए नॉट बाई इसका हाफ देखें यहाँ पे बनता है ए नॉट बाई फोर ये फर्स्ट हाफ लाइफ थी और ये कौन सी हो जाएगी सेकेंड हाफ। अब मैं कहता हूँ कि थर्ड हाफ लाइफ तो इसकी थर्ड होगी वो क्या हो जाएगी ए नॉट बाई इसका ये हाफ हो गया। अब ये आप ग्राफ नहीं देख रहे कि सर आपका डेटा दिया ही नहीं है तो हम ग्राफ कैसे बनाए हैं तो इसका क्या हो जाएगा ए नॉट बाई एट और ये आपके पास ये वैल्यू होगी और ये आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ की वैल्यू होगी ये सेकंड की ये थर्ड की सिमिलरली आप जितने भी हैं वो निकाल जाएंगे। जी जो
फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो सेकंड हाफ लाइफ है उसमें टी ओवर 1/4 नहीं है, नहीं रखना हाफ लाइफ, आपने फर्स्ट हाफ लाइफ है, नहीं हाफ लाइफ है टू, और ये हाफ लाइफ वर्ड जो बोल रहे हैं टू इज इंडिकेटिंग सेकंड हाफ लाइफ, नहीं तो वो जो से दूसरे टी 1/2 की जगह नहीं, नहीं वो तो फिर हाफ लाइफ तो नहीं रहेगा, हाफ लाइफ को क्या शो कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हो सेकंड वाले में हाफ लाइफ है इनिशियल से स्टार्ट कर जी जी हाफ लाइफ ठीक है, हाफ लाइफ अगर आप यूज करेंगे तो ये तो हाफ लाइफ में वर्ड लाइफ होगी 1/4 ठीक है, आपने हाफ वर्ड को हाफ लाइफ ओके ए नॉट बाय 2 का हाफ हां जी। अच्छा अब हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, तो इसका मतलब है कि जब t हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, जब t आपके पास क्या होता है हाफ होता है मीन कि जब कंसंट्रेशन एट एनी टाइम अगर हाफ हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन के तो उसको हम क्या कहते हैं हाफ लाइफ, तो इसका मतलब है कि जब t 1/2 होता है उस वक्त तो a t की वैल्यू होती है मीन कि एट एनी टाइम वो क्या वैल्यू है ठीक है, अब आप ये इक्वेशन देखें ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए नॉट बाई 2 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ए नॉट टी 1/2 ओके नेक्स्ट स्टेप ए नॉट बाई 2 माइनस ए नॉट ये क्या बन जाता है माइनस ए नॉट बाई तो ये ठीक ही करना इज इक्वल टू माइनस के नॉट टी 1/2 ये ठीक ही करना हाफ माइनस फुल विल बी इक्वल टू माइनस हाफ ठीक है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट y क्यू k नॉट इज इक्वल टू टी 1/2 ये पॉइंट समझ आया ठीक है, आपका नाम क्या है फारस, फारस ये ठीक है ठीक है। अच्छा अब यहां पे आ जाओ इस पे क्या करेंगे इसको आप यू लिख सकते हैं आसान बना कर देंगे इसको यू लिख दो चलो वैसे ही करो यहां पर लिखो भाई ये क्या होगा ये जब ऊपर जाएगा तो 2 1 और ए नॉट कॉमन आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 तो ये आपका बन जाएगा 1 ओवर
ए नॉट ठीक लिखा आपने यस यस अब बताए ये आगे काम आए तो इसका ये मतलब है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ इस पर डिपेंड करती है। ये लास्ट पॉइंट बता दो आज सी दोबारा रिपीट कीजिए दोबारा रिपीट करूँ या दोबारा करूँ कर दीजिए ये वाला स्टेप यस इसने आपके वो दिमाग पे आया यस ऊपर से देखिए ये चीज आ गई ये ध्यान रखिएगा इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं टू को ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टू ओवर ए ठीक है टू माइनस वन ए वाले को क्या हो गया हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ठीक है मगर रेट ऑफ रिएक्शन को इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता वो तो जीरो है मगर हाफ लाइफ डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या है हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर सेकंड ऑर्डर में क्या है हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अब सम टाइम ये रिलेशन सम टाइम इस तरह चला जाता है कि बताएं कि हाफ लाइफ डायरेक्ट रिलेशन ठीक है ए नॉट के साथ हाफ लाइफ इनवर्स रिलेशन है ए नॉट के साथ ठीक है हाफ लाइफ ठीक है ये डायरेक्ट रिलेशन है ए नॉट पावर जीरो के साथ या ए नॉट के साथ पावर टू के साथ अब बताएं इसमें से फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर का कौन सा फर्स्ट ये वाला तो ये एक्सप्रेशन जब आप निकाल लेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें बताना आसान हो जाएगी ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही ठीक है